कॉम्प्लेक्स कुमारहट्टी से। इस चीज़ का आज मुझे बड़ा खुशी हुई कि आज हमारी जो 5 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इस कॉम्प्लेक्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो इनकम जनरेशन होनी थी उसके बोली के समय में जो है यहाँ पर सभी लोग एकत्र हुए। वीडियो मैडम भी आए, तहसीलदार के रिप्रेजेंटेटिव भी आए, पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं। आज 5 में से 3 दुकानें जो है किराए पे ओपन बोली से किराए पे चढ़ गई है, जिससे आज के दिन ही 28,000 रुपये का हमें पर मंथ इनकम जो है रेंट जो है वो शुरू हो गई है। और इस कॉम्प्लेक्स में लगभग जो है ये 5.5 करोड़ रुपए से ये कंप्लीट होना है। इनिशियल जो इसका एस्टिमेट है 2,72,00,000 का था, जिसके अगेंस्ट विकास में जनसहयोग कुमारहट्टी इसके आसपास के लोगों ने अपने जो पैसे है जमा करवा के विकास में जनसहयोग में 2,12,00,000 रुपए का इनिशियल हमें जो है इसमें बजट मिला। उसके अलावा इसमें एनहांसमेंट हुई, कई और चीज़ें इसमें जुड़ी। इसमें सबसे बड़ी बात और है कि मैं धन्यवाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का, उनके सभी अधिकारियों का, कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से और NH-5 के बिल्कुल साथ लगता है, उसमें जो एक स्कीम है जो नेशनल हाईवे को यूज करते हैं लोग, उन लोगों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए टॉयलेट, पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, रेस्ट रूम 13 कमरे जो है वहाँ पे उसने उस योजना में उन्होंने हमारे को दिए, जिसको रोड साइड एमिनिटीज कहते हैं, उसके तहत हमारे को जो है वो 70,00,000 रुपया मिला है और वो भी हमने इस प्रोजेक्ट में ऐड किया। आने वाले समय में यहाँ से जो है पंचायत के लिए और पंचायत के लोगों की डेवलपमेंट के लिए जितनी भी इनकम जनरेट होगी है उनके लिए जो है ये खर्च की जाएगी। ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये मेरा ही ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ये चेवा पंचायत के लोगों ने और हिमाचल के लोगों के लिए ही नहीं, मैं तो अगर आज ये कहूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कभी एक डेस्टिनेशन होगा पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों के लिए। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वॉलीबॉल का कोर्ट है, बैडमिंटन का कोर्ट है, टेबल टेनिस का टेबल है, स्विमिंग पूल है, 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल शूटिंग रेंज है, कंप्लीट एक जिम इसमें होगा और साथ के साथ इसमें जो है बैंक्वेट हॉल होगा। जिस बैंक्वेट हॉल में आप चंडीगढ़ पंजाब से जो लोगों से लेकर के